तो हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स वगैरह वगैरह डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज जाके देख लीजिए। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को क्या करना पड़ता है सब्सक्राइब करवाने के लिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। तो ये सब्सक्राइब तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। तो पहले मैं बता दूं, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप में ही कुछ इतना कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी हाँ इन्फॉर्मेशन है इसमें भी, जो कि हाँ हम सबको पता है। बस हाँ आप नोट डाउन करते चलिए कि हाँ बस है ऐसा, राइट है। तो सबसे पहला राइट क्या है? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर भाई पार्टनरशिप में हो आप तो आपका राइट है ये कि आप किसी भी कंडक्ट जो भी काम हो रहा है बिजनेस में उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। राइट टू बी कंसल्टेड। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, आपका राइट है कंसल्ट होने का। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब जो जो नॉर्मल सी चीज है वो मुझको लगता है कि समझाना बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट टू रेम्यूनरेशन। राइट टू रेम्यूनरेशन मतलब जो जो भी एक्स्ट्रा जेब खर्च होता है, एक्स्ट्रा जेब खर्च हम लोग समझ ही सकते हैं, कहीं जाना हुआ, कहीं आना हुआ, या फिर दिवाली बोनस हो गया, राइट टू रेम्यूनरेशंस, रेम्यूनरेशन जो होता है उसका भी राइट होता है। लेकिन हाँ इसकी एक बस ये है कि एग्रीमेंट में होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं होता ये राइट। हाँ तो लिखा तो है कि राइट है, लेकिन हर कोई भी उसकी जो पार्टनर है उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि दे नहीं है। ये इच्छा हो तो दे दो, अगर एग्रीमेंट में लिखा तो कंपलसरी है। फिर नहीं लिखा है तो फिर आपकी इच्छा है, आपके आपस में कैसे रिलेशन है उस हिसाब से। फिर राइट टू शेयर प्रॉफिट, यार ये तो एग्रीमेंट में लिखा है राइट टू शेयर प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल मतलब क्या कि मान लो अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा हूँ, मतलब कि ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा हूँ कि दो लोग हैं हम पार्टनर्स, दोनों ने 50-50% लगा दिया, अब और जरूरत पड़ रही है तो मैंने और पैसा लगा दिया अलग से, तो अब उसका क्या मुझको इंटरेस्ट भी मिल सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एग्रीमेंट में लिखा हो तो। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस बिल्कुल क्लियर। ट्राइड टू बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाई हम लोगों ने मैंने एक वीडियो बनाई भी है इसके ऊपर, इंडेमनिफाई जो भी है, इंडेमनिफाई मतलब क्या होता है, गुड फॉर द लॉस, कि जो भी किसी को भी नुकसान हुआ है तो उसकी अगर राइट है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वगैरह हो गई, नुकसान होता है तो वो भरपाई कर देते, तो यहाँ पर राइट टू बी इंडेमनिफाई मतलब क्या कि अगर फर्म का काम करते करते अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है, कुछ भी नुकसान हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्म का काम करते करते कहीं अगर फर्म में बिजनेस जो भी दुकान है वहां पर अगर आग लग गई तो अब आपने जो भी वो फायर ब्रिगेड को बुलवाया, ठीक है, जो भी चीजें ये सब आपने करवाया, आपने अपने जेब से खर्चा किया, तो आपका क्या है, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, मतलब कि जो भी आपका नुकसान हुआ है वो फर्म आपका, ये राइट है आपका कि फर्म भरपाई करे। राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब अगर चार लोग हैं, पार्टनर हैं चार लोग, उनको अगर पांचवे आदमी को अगर एज पार्टनर बनाना है, एडमिट करना है एज अ पार्टनर, तो ये जरूरी है, मस्ट है कि चारों लोगों की कंसेंट, जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी कंसेंट होनी चाहिए नए पार्टनर को लाने के लिए। और अगर किसी पार्टनर को जाना भी है छोड़ के, तो सारे पार्टनर की सारा जितने भी पार्टनर है सबकी कंसेंट चाहिए जाने। आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, ना आप ना कोई भी आदमी आ सकता है बिना सारे पार्टनर्स की कंसेंट के। यूनैनिमस कंसेंट चाहिए, यूनैनिमस। ठीक है, अगर आपकी मतलब अगर सबकी कंसेंट चाहिए तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास राइट है कि आप चाहो तो मना कर सकते हो कि नहीं चाहिए ये आदमी, नहीं चाहिए मुझे एज अ पार्टनर। राइट टू रिटायर।
अब आपके पास राइट है रिटायर होने का, रिटायर कब हो सकते हो आप, राइट रिटायर कब हो सकते हो, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट विल है, हमने देखा था जो पार्टनरशिप एक्ट विल होता है उस टाइम पर क्या होता है कि कोई भी आदमी कभी भी रिटायर हो सकता है जब भी उसकी इच्छा हो, तो ये राइट टू रिटायर, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। अब एक्सपेल्ड का क्या मतलब है, एक्सपेल्ड का मतलब ये होता है निकाला जाना, तो कोई भी पार्टनर आपको निकाल सकता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपने कुछ गैर कानूनी काम किया है, आप अपना काम सही से नहीं कर रहे, मतलब कि फर्म फर्म के फायदे में अगर आपको निकालना है, आपका निकालना, आपके निकालने से फर्म को फायदा हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो भी काम है, इलीगल काम कर रहे हो या फिर सही से काम नहीं कर रहे हो, नुकसान करवा रहे हो, राइट, तो आपको निकाला जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो उनके कि नहीं यार ये गलत है, तो आपके पास ये है कि राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, आप पार्टनर हो, आप पार्टनर रह सकते हो। अब राइट टू डिसॉल्व द फर्म बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर बाय एनी पार्टनर इन पार्टनरशिप एट विल, अब ये वही बात आ गई, आपके पास राइट है कि अब अगर सारे कंसेंट, अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट है आपके पास, तो आप पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, और अगर आप पार्टनरशिप एट विल पे हो, मन में हो, तो कोई भी पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है, कोई भी पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है, सीधी सी बात, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, अब पार्टनर के राइट्स तो हमने डिस्कस कर लिए है, ड्यूटीज क्या होती है, एक्ट इन गुड फेथ सी, ठीक है, अब ये वही बात है जो नॉर्मल सी चीजें वो नहीं बताना, नहीं मतलब समझ रहे हो आप कि नहीं इतनी, अब इजी लैंग्वेज में क्या बताऊं मैं, अब एक्ट इन गुड फेथ, कैरिंग ऑन द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ठीक है, कॉमन एडवांटेज मतलब कि वही साथ, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मतलब कि एक ऐसे, मतलब कि ऐसे काम करना फर्म में, फर्म को इस तरीके से काम करवाना कि सबको फायदा हो, कॉमन एडवांटेज हो सबको, यूज नॉलेज एंड स्किल, ठीक है, ये तो हर चीज में देखा है हम लोगों ने, जहां एजेंसी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट हो, वहां पे भी यही चीज है, नो पर्सनल प्रॉफिट। अब ऐसा नहीं है कि आप तीन लोग पार्टनर हो लेकिन एक पार्टनर अलग से अपना अलग से ही कोई प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट निकाल रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक्ट विद इन अथॉरिटी कि आप तीन पार्टनर हो, हर किसी पार्टनर को अपना अपना अथॉरिटी दे दी जाए, अब आप अलग ही काम कर रहे हो, अथॉरिटी के बिल्कुल आउट में काम कर रहे हो, एक्ट, तो ये आपकी अथॉरिटी, आपकी ड्यूटी है कि आप को जो अथॉरिटी मिली है उसके अंडर ही काम करो आप। रेंडर ट्रू अकाउंट टू अदर पार्टनर्स, बिल्कुल ये भी एक ड्यूटी है, ट्रू अकाउंट बताना है पार्टनर को। इंडेमनिफाई फॉर द लॉस टू द फर्म बिकॉज ऑफ हिम, अब हमने राइट टू बी इंडेमनिफाइड तो देखा था हमने कि यार आपको नुकसान हो रहा है फर्म की वजह से, तो आपको नुकसान मिलेगा, अगर आपकी वजह से फर्म को नुकसान हो रहा है, अगर आपकी वजह से फर्म को नुकसान हो रहा है, तो आप फिर इंडेमनिफाई करोगे, ठीक है, तो ये भी ड्यूटी है। सातवीं ड्यूटी, एट्थ ड्यूटी क्या है, यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ फर्म्स बिजनेस, फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो फर्म के लिए ही यूज होना है, जो फर्म का जो बिजनेस है उसी के लिए यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप घर पे ले आए, आपने अपने घर पे आप यूज कर रहे हो बढ़िया, नहीं ऐसा नहीं कि यार फर्म में एसी लगा है, अब उस एसी को आप अपने घर पे ले आए कि यार गर्मी लगती है ज्यादा, ऐसा नहीं। और शुड नॉट ट्रांसफर हिज राइट्स और इंटरेस्ट टू एन आउटसाइडर, मतलब कि जो जो आदमी वो नहीं है, क्या नहीं है, पार्टनर नहीं है, आप उसको अपने राइट्स या इंटरेस्ट नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए आपको, ठीक है, अगर आप पार्टनर हो तो वो राइट्स आपको मिले, आप नहीं दे सकते किसी को, ठीक है, तो ये थे हमारे ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, राइट्स तो हमने देख लिए, ये ड्यूटीज हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग माइनर की पोजीशन डिस्कस करेंगे और भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।